सांसद जी, फर्रुखाबाद में दो ओवरब्रिज बन रहे थे, सुकरुल्लापुर ओवरब्रिज का आपने कल निरीक्षण भी किया था, अभी वो किस कंडीशन में है, क्या जनता के लिए खुला है और किस तरीके का वहाँ पे काम रहा और क्या फायदा रहेगा जनता को? फर्रुखाबाद में दो ओवरब्रिज स्वीकृत हुए थे 2020 से, वो बनना प्रारंभ हो गया, जैसे बनना प्रारंभ हुए वैसे कोविड आ गया, कोविड की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ और क्योंकि विलम्ब होने का कारण ये है कि दो विभागों से बनता है, एक रेलवे का बीच का पोर्शन है वो रेलवे विभाग बना था, वो अलग से जब PWD का काम पूरा हो जाता तब वो बीच के रेलवे वाले अप्रोच बनाते और जो अप्रोच रोड है वो PWD के निर्माण क्षेत्र ने बनाई है, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ कि कोविड 2020 में प्रारंभ हुआ, वैसे ही कोविड आ गया और कोविड की वजह से थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब बन के तैयार हो गया है। बनने से लोगों को जो है कि अब जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। हमारा सुकल्लापुर का ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया है, इसके लिए मैं भारत सरकार के अपने यशस्वी रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश से के PWD मिनिस्टर और अपने योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने फर्रुखाबाद जनपद की लोगों को एक नहीं दोनों फ्लाई ओवर दिए और आगे जो दो तीन फ्लाई ओवरों की मांग है उसे भी हमारे दोनों माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उसे पूरा कराएंगे। जनता के लिए खोल दिया गया? हाँ, सुकल्लापुर वाला जनता के लिए खुल गया है और इसके लिए भी जय निकाल दीपावली तक मैं इसको भी ओपन करके आप। कई से विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं कि कई वर्षों से बन रहा है, कई वर्षों से बन रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब विपक्ष के लोगों को अपना गृहमान में झांकना चाहिए। 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष में विपक्ष के लोगों ने कितने फ्लाई ओवर बनाए हैं और उनका कहना है कि बहुत टाइम लग गया, तो उन्हें पहले आसपास के जनपदों में या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी भी फ्लाई ओवर के बारे में पता कर लेना चाहिए। फ्लाई ओवर बनाने के लिए कितनी एनओसियां, कितने विभागों से एनओसियां, दो दो विभाग जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक भारत सरकार का विभाग और एक उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं, फिर कोविड भी चला, 3 साल में बना के दे दिया, ये बहुत देर तो नहीं है। अब वो ये तो नहीं है कि एकदम आए और 6 महीना में बन के तैयार हो जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल पहले तो एनओसी में लग जाता था, जितने साल में बना के दिया इतनी तो एनओसी भी वो नहीं क्लियर करा पाते थे। तो कांग्रेस और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को उन्हें चिंता करना चाहिए, उनकी उत्तर प्रदेश में एक नहीं 4 बार सरकार रही, 1 बार कुलभूषण तो अखिलेश जी रहे, 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी रहे, उन्होंने फर्रुखाबाद जनपद में कितने फ्लाई ओवर दिए वो विपक्ष के लोग देख के बताएं, या जो हम लोगों ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वही दे रहे हैं। उन्होंने मैनपुरी को दिया हो सकता है जहाँ से उनके पिताजी सांसद रहते थे, उन्होंने कन्नौज में दिया था कि उनकी बेगम साहिबा वहाँ से मुख्यमंत्री सांसद थी, उन्होंने अक्षय कुमार के क्षेत्र से दिया होगा क्योंकि वहाँ उनके भ्राताश्री थे, या उन्होंने दूसरे बदायूं को कुछ दिया होगा जहाँ उनके भाई थे, तो लेकिन फर्रुखाबाद जनपद को तो उन्होंने हमेशा नरक दिया, धोखा ही दिया और वो आरोप लगाए तो अच्छा नहीं लगता।